always forefront for the children and everything. Aapko lagta hai education system ka aur strong hona chahiye as far as like we see lots of instances which come up here and there. You know, मैं आपको एक चीज बताऊं जो मैं जितने पैनल डिस्कशंस और ये एक्चुअली काफी एक सीरियस डिस्कशन है जो शायद इस समय दूसरे लोग आप लोग बोर हो जाएंगे लेकिन आई थिंक सुनना जरूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इसलिए यहाँ से जो बच्चे जाते हैं या यहाँ से जो हमारे हिंदुस्तानी वर्ल्ड ओवर जाते हैं दे आर ऑलवेज वेरी वेरी सक्सेसफुल मेहनत ज़्यादा है मेहनत करते हैं और मेहनत से हम लोग कतराते नहीं हैं जहाँ दूसरों में नहीं इतना दिखाई देता इसलिए आर इंडियंस ऑफ आई कुड से सक्सेसफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आप नासा जाएंगे तो आपको ज़्यादा हिंदुस्तानी और एशियंस दिखेंगे यू नो एट वेरी बिग पोस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम वीक है हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अलग अलग कठिनाइयाँ हैं जो स्कूल्स हैं कभी कभी वो फंड्स नहीं पहुँचते हैं उनको जो पहुँचने चाहिए जहाँ तक कि महिलाएँ हैं और हमारी लड़कियाँ हैं बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ शौचालय नहीं है तो एक सर्टन स्टैंडर्ड तक पहुँच के लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं आठवीं के बाद या यू नो सातवीं के बाद के नहीं अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनके वो सुविधाएँ नहीं हैं तो ये सुविधाएँ जो हमें उनको उनके लिए बनानी है और उनको उन तक पहुँचानी है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि हमारी लड़कियाँ टिल टेंथ स्टैंडर्ड हैव कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन इन मोस्ट ऑफ इन ऑल द गवर्नमेंट सॉरी नॉट मोस्ट आई करेक्ट माई सेल्फ इन ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सो इससे और बड़ा इंकरेजमेंट किया लेकिन जैसे कि मैंने कहा सुविधाएँ की जो सुविधाएँ उनको उन तक पहुँचनी चाहिए वो शायद नहीं पहुँचती हैं इसलिए इतना वो स्ट्रेंथ नहीं है ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि कई बार जैसे हमने अभी देखा कि एग्जामिनेशन पेपर जो होते हैं दे कम आउट एंड दे सेट बैक टू द स्टूडेंट्स जो ये लीक होते हैं हाँ ये हर बार होता है जब मैं भी कॉलेज में थी हम लोग का भी पेपर लीक हो गया था फिर लकीली पता नहीं क्या हुआ था मुझे अभी याद नहीं बट ये तो किस्से होते रहते हैं इट्स एन अनफॉर्चुनेट दिस थिंग एंड स्पेशली मेरे बच्चों ने भी अभी एग्ज़ाम दिया है तो मैं समझती हूँ कि व्हाट द पेरेंट्स और जो बच्चे व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इतनी मेहनत करने के बाद और अगर अच्छा पेपर गया है बेचारों को वापस वो पेपर देना बहुत ही कठिन है बट इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट इज़ हैपन बट दिस कैन हैपन एनी वेयर इन द वर्ल्ड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे ही देश को हम बार बार हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए लीक नहीं होना चाहिए एंड दोज पीपल जिनकी वजह से लीक हुआ है शुड बी अरेस्टेड एंड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योंकि इतनी असुविधा हुई है सबको